चाट का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन एक चाट की रेसिपी ऐसी है जिसे खाने के बाद आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इसमें बहुत सारा कैलोरी इंटेक कर लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे चना चाट की रेसिपी, जिसमें काफ़ी सारी सब्जियों के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है, बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे बनाने के लिए हमें एक कप काला चना चाहिए, जिसे रात भर पानी में सोख कर लेना है। उसके बाद आप इसे प्रेशर कुक कर लीजिए 5 विसल आने तक, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच। तो ये इस तरह से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएंगे, ये देखिए। और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब कुछ सब्जियों को तैयार कर लेंगे फाइनली चॉप करके। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है, थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड किया है मैंने, इसके साथ ही यहाँ पर गाजर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कुकुम्बर ले लिया है, और यहाँ पे टमाटर ऐड किया मैंने, और एक बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करने के बाद उसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तो अब हम उबले हुए चने में सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक ऐड कर देते हैं, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने, 1/4 छोटी चम्मच, इसकी क्वान्टिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच। चाट मसाला पाउडर ऐड किया मैंने, 1/2 छोटी चम्मच, और यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने, 1/4 छोटी चम्मच। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे आप चना देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। तो ध्यान ये रखिएगा कि उबालने के बाद उसे पूरी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप उसमें सारे मसाले ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें एक पैन गर्म करेंगे। पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो इस रेसिपी को तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट हो जाए, इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और लो फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जीरा हमारा जैसे ही चटक जाएगा, इसमें ऐड करेंगे हम उबला हुआ आलू, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, और हाई फ्लेम पर इसे हमें बटर के साथ अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाए, जो कि बाद में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनिए। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें उबला हुआ चना, जिसे हमने मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा था। इसके साथ ही यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर दिया है मैंने फाइनली चॉप करके। 1/4 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है ग्रेट करके। अब हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। तो इतने में आप देखेंगे कि चने के ऊपर भी एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है। तो हाई फ्लेम पर हम भून रहे हैं, तो इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी और एक क्रिस्पी सी लेयर आपको नज़र आएगी। आलू को हमने पहले ही 1 मिनट के लिए भुना है, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ पे आप चने का टेक्सचर देख सकते हैं, लगभग 2 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। फिर से इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे हम। तो बस ध्यान ये रखिएगा कि इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। तो यहाँ पर ये लगभग तैयार है, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। अब सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इसे गर्म में ही ऐड करेंगे तो सब्जियों का क्रंचीनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हल्का सा ठंडा करके इसमें सब्जियों को ऐड कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों को मैंने ऐड किया है, आप इसमें से कुछ भी जो पसंद ना हो स्किप कर सकते हैं। अब डाला है मैंने 1 टेबल स्पून नींबू का रस। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पुदीने की नॉर्मल सी चटनी, जो हम अक्सर घर पर बनाया करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो और ये ऐड ना करना चाहें, तो आप इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। इसकी क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी स्टेज पे आप देख सकते हैं हमारे चना चाट का लुक कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और ये फिलिंग होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। सब्जियों में आपको जो भी पसंद ना हो आप उसे स्किप कर सकते हैं, आप इसे सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे तुरंत सर्व कर लेंगे। बनाने के बाद आप इसे तुरंत सर्व करके खा लीजिए, क्योंकि इसमें जो सब्जियाँ हैं उनका क्रंचीनेस रहना चाहिए। धीरे धीरे वो सॉगी हो जाती है, जो टेस्ट वाइज आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो बनाइए और तुरंत सर्व करके इसे ख़त्म कर लीजिए। तो एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।